हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ गया हूँ घर से बाहर। इधर आप लोग को दिखाऊंगा, आज बारिश हुई बहुत ज़ोर से, तो गर्मी से तो राहत मिला बारिश होने की वजह से। तो गाइस, आप लोग को दिखाएंगे कि बारिश कितना ज़ोरदार हुआ था और बारिश होने के बाद कितना जल्दी ही पानी ऊपर चला गया। तो गाइस, चलिए आप लोग को दिखाते हैं पीछे का बैकग्राउंड। उम्मीद है आप लोग तरफ भी बारिश हुआ होगा जोरदार, ऐसे ही और बारिश एक दो बार हो जाए तो किसानों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। किसान लोग भी अपना कार्य करने के लिए भी शुरू हो जाएंगे। तो देख ही रहे होंगे पीछे कैसा हाल बुरा लग रहा है। तो और कुछ दो दिन में आजा हेलो हेलो बकरियां, ए बकरिया, कम 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 कम, वेयर आर यू गोइंग बकरिया। ओ भाई, क्या हो गया तुम लोग को, मजा आ रहा है चरने में। देख सकते हैं कितना सारे बकरियां चल रहे हैं इधर। इधर देख सकते हैं पानी जमा हुआ था, तो जल्द ही पानी सारा सूख गया है। इतना धूप से जमीन सूखा था कि बारिश होने की वजह से जल्द ही पानी सूख लिया। तो गाइस, इधर भी देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स लोग बोलते हैं कि आपका आवाज़ बहुत ही कम आता है, तो हमारे व्यूअर्स लोग सलाह देते हैं कि आप एक माइक ले लें। तो गाइस, बताएंगे कि माइक तो अभी लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन कुछ समय चाहिए, तो आप लोग को क्लियर आवाज़ आएगा, फुल आवाज़ आएगा। तो गाइस, आप लोग हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का प्यार ही हमें बताएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं फिर ऐसे आप लोग को बीसीबीटी का ब्लॉग लाता रहूँगा और हमारे यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके बने। ऊपर अभी बहुत ज़ोर से बारिश हुआ होगा और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि खेती बाड़ी कैसा किया जाए। तो गाइस, मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ, इसलिए बारिश तो अच्छा ही है और बारिश और होना चाहिए ताकि खेती सब अच्छी तरह से हो पाए। तो आप लोग खेती करते हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट में, खेती के लिए बारिश होना ज़रूरी है कि नहीं, तो और क्या बताएंगे भाई। तो फाइनली अभी जामुन के पेड़ के पास पहुंच चुके हैं, आप लोग को दिखाएंगे जामुन। ज़्यादा तो नहीं पका है, एक दो ठो पका है, देख सकते हैं अभी जामुन कैसा दिख रहा है, पूरा हरा भरा है अभी जामुन। तो गाइस, एक दो ठो पका हुआ है, इसलिए एक दो ठो तोड़ लेते हैं, दिखाएंगे आप लोग को। देखिए इधर जामुन कैसा लग रहा है, रेड रेड, अभी काला नहीं हुआ है और कुछ काला होने वाला है। गाइस देखिए इधर, ओ भाई माटा, क्या करेगा यार तू माटा, ए भाई रुक रुक, ओ भाई और किधर है, ए भाई झोंपे में, वाह, ये रहा जामुन, हम लोग का जामुन है भाई। तीन तो तोड़े हैं, सबसे कल्ला में ये लग रहा है।
पहला पानी में पहला जामुन हम लोग का, पता नहीं आप लोग तरफ का पक के ख़त्म हो गया कि क्या हुआ, हम लोग तरफ का तो हम लोग का यही पकना शुरू हुआ है। गाइस कमेंट में बताइएगा जामुन कैसा लगा, लोग जामुन खाने जरूर आए। इतनी बड़ा है देख सकते हैं नीचे वहाँ पे, वहाँ से इधर आए हैं, इधर देखिए इधर कैसा दिख रहा है जामुन का। अरे इधर जामुन पका है, हम लोग खा लिया 2 3 4 5 शुरुआती हो गया है पकाना, मजा आ गया मजा। और एक उधर पाक ले, डरे लगत हो ना इतना कहम टूटी ना जाए रे, अरे इतना लोटे हो गया कहम टूटी तो गयो बेटा घर का है करेगा ठीक ठाक गिरेगा हाई नहीं सुन खाने आ जाइएगा, पकेगा झकास, देख रहे ना कैसे जामुन फरा है एकदम ठाकड़ वाला जामुन। सब दिखाते हैं आप लोग को चिड़िया का घोंसला, नीम पेड़ में है चिड़िया का घोंसला, देख सकते हैं इधर चिड़िया का घोंसला है भाइयों बहनों, पता नहीं है या नहीं, नहीं पता मेरे को, देखिए इधर चिड़िया का घोंसला। ए भाई है कोई है मेरे भाई लोग? वो भाई नहीं है कोई, शायद फुर हो गया शायद की बात। देखिए इधर नहीं लग रहा है, फुर हो गया फुर फुर। तो मैं अभी नीम पेड़ के नीचे हूँ, देख सकते हैं नीम का पेड़ कितना मस्त लग रहा है, छांव नीम का पेड़ में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जगह। यहाँ पर अभी अभी नीम का पेड़ दतुआ काफी है, दतुआन करते होंगे तो आ जाइएगा मेरे पास नीम का, अच्छा खास दीदा भी लगेगा, मन फ्रेश मुंह फ्रेश कलेजा फेल। तो अब क्या बताएंगे, तो गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।